नेपाल और चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी आप जानते हैं क्यों हैरत में डालती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद वो गाजे बाजे के साथ नेपाल गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर गए थे और नेपाल एक बार नहीं कम से कम दो बार गए थे। और चीन की आक्रामकता के बारे में प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में मोदी जी ने चीन को लाल आंख दिखाने की नसीहत उस वक्त की सरकार को दी थी। लेकिन जब खुद की बारी आई लाल आंख दिखाने की तो लगता है मोदी जी की आंखों की लाली ही चली गई है। जब भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस ने 5 भारतीयों को गोली मारी जिसमें से एक की मौत हो गई थी, उस वक्त भी मोदी खामोश थे। ये अपने आप में अप्रत्याशित है। नेपाल के साथ इससे पहले भी तनाव हुआ है, पर इस कदर नहीं कि वो हम पर गोलियां चलाने लगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेपाल एक हिंदू बाहुल देश है। सालों से हमारा उनके साथ एक नाता रहा है, उनके साथ हमारे तनाव रहे हैं, मगर हमने एक संतुलन बनाकर रखा है। लेकिन 2015 से लेकर अब तक भारत के संबंध नेपाल के साथ लगातार गिरते रहे हैं, क्योंकि 2015 में भारत ने नेपाल का आर्थिक ब्लॉकेज शुरू किया था। संबंध लगातार बिगड़ते गए और सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जिसका फायदा चीन ने उठाया। इसी बीच चीन का प्रवेश नेपाल में लगातार होता रहा। हमारे मतभेद हमेशा नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ रहे हैं, लेकिन हमारी कूटनीति की वजह से हम इन तनावों से बाहर निकल पाए हैं। 2014 से पहले की जो कूटनीति थी उसने सब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद की, लेकिन 2014 के बाद से लगातार संबंध बिगड़ते ही चले गए और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि नेपाल हमारा दुश्मन बन जाए, क्योंकि उससे नेपाल में चीन की पैठ बढ़ जाएगी। नेपाल के अंदर ISI के एजेंट हैं जिन्होंने कई बार भारत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हमारे विदेश मंत्री SJ शंकर और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? भाजपा सरकार की रक्षा नीति बुरी तरह से धराशाही हो गई है।